हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू केडीवी व्लॉग्स। धूप में जल के तो पता नहीं क्या ही हालत हो गई है मेरी स्किन की। अब मुझे कैसे इसका ध्यान रखना है, क्या करना है, क्योंकि सनस्क्रीन हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। पर क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो सनस्क्रीन लगाओ या फिर चमड़ी जलने दो। पर अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, और अभी अभी बारिश हो गई थी बीच में 2-3 दिन पहले, और बारिश के बाद की जो गर्मी होती है उसने तो भाई साहब हमारा मतलब जीना हराम कर रखा है। और अभी अभी एसी से बाहर निकला हूँ तो ऐसा भक्का सा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। इस वाले रूम का एसी ऑन नहीं किया था, पीछे वाले का किया था, तो हो क्या ही बताऊँ मैं। वो अभी जो नया ऑब्सेस्ड वाला जो रील चल रहा है ना, उसका सोच रहा हूँ उसका वीडियो मैं बनाऊँ। पता नहीं, ट्राई करूँगा कैसा बनता है, क्या बनता है। मुझे बनाना तो है आज, पर जानू जब अग्री करेगी तब टाइम मिलेगा, तब सामने मिल के बनाएंगे। वो वाला है ना, गल्ला दी ऊँची है, गल्ला दी तोड़ है, जट्टा दी तोड़ है वाला। अब मुझे वो गाना उतना सुना नहीं है तो मुझे आता नहीं है। वैसे मुझे पंजाबी गाने आते हैं पर ये सुना नहीं है उतना, बस कोई पता है गोचीदा बेल्ट भी पाया ने जट्टा था तोड़, बस वही उतना ही पता है, ज़्यादा आता नहीं है वो वाला सॉन्ग मुझे। तो भाई क्या है, उस पर करना है मुझे, रील बनानी है। तो देखते हैं, अगर बन गई तो रखेंगे, वरना फिर जाने देंगे। मेरी शुक्रिया। का वर्ल्ड फेमस ढोकड़ा मार खाने के बाद, ओ टूटो टेस्टी। मैं देखो विकी कौशल लाइट बन के रेडी बैठा हूँ, जानू आ नहीं रही है, मुझे उसकी हेल्प चाहिए। अगर वो आएगी तब ये मेरा जो मुझे रील बनानी है, जो शूट करना है, वो सही से हो पाएगा। वो आ जाए तो हम क्या है मस्त मज़ेदार कंटेंट बनाए। ये कभी ट्राई वाई किया नहीं उतना डांस हमने रील के लिए, पर कोशिश करनी बनती है क्योंकि वो अच्छा लग रहा है। वो ऑब्सेस्ड गाने से ही ऑब्सेस्ड हो गया ऐसा लग रहा है अभी, तो उसी वजह से सोचा कि चलो एक ट्राई मारते हैं, जैसा भी बनता है। अपने को कहाँ विकी कौशल के जैसा डांस करना है, जैसा भी डांस हो करके अपलोड कर देना है बस। जानू बढ़िया पास्ता बना के लाया, वो तूने खाया? आज सब कुछ खतरनाक खतरनाक खाने को मिल रहा है। ओहो, टेस्टी पास्ता। ओ गड्डियां ऊंचियां रखियां, ओ नारा वो जट दे पिछियां, पर तू मैनू बाली ही जचदी, लक ते गुची दा बेल्ट तू पाया, जट्टा ने कोड़ता ना बस वाया, वे अलग ही टौर हुंदी साडी। रील बनाते बनाते उसको एडिट करके अपलोड करते करते कब नींद आ गई कुछ पता नहीं चला। अभी अभी मेरी आँख खुली, शाम के 5:45 हो गए। इतना मस्त दोपहर में अपना काम भी हो गया और रील भी बन गई और थोड़ा आराम भी कर लिया। हो गया टाइम तुम्हारा, कोई दिवस हैरान नहीं करता। गरम हो रहा है, गरम तेरे लिए दूध बार आने बाजी डाइवर्ट करी पड़े। बार 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 आई रही हूँ। ले अब नहीं देखे। ले ले जल्दी ले हटाई दूध पीने के बाद नहीं रुकती वो।
शाम को या सुबह में कभी भी प्लांट्स को पानी देने में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, पता नहीं इतना अच्छा लगता है वो 10 मिनट के प्रोसेस में कि मस्त आराम से पानी डालो, उनको ग्रो होते हुए देखो। और ये आज हमने जो रील शूट करी है उसके लिए ये पर्दा पीछे लगा दिया था, पहले सोचा कि यहाँ पे करेंगे पर फिर यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे कर दिया। और मैं एक बात बताऊँ भाई साहब, ये लाइट ने जो मदद की है हद से ज़्यादा भी, देखना ये आपको दिख रहा है ऐसा, और अब देखो हर बार इस लाइट का कमाल होता है। और दूसरी चीज़ जिनको नहीं शायद पता है, नहीं मेरा वो वाला वीडियो देखा था, लाइट कम ज़्यादा भी होती है और उसके साथ साथ उसकी कलर ग्रेडिंग भी आप चेंज कर सकते हो। 1500 रुपये में भाई ये वर्थ इट है, अगर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो बेस्ट है। और इसके लिए एक क्लिप भी है, अगर मैं फ़ोन के ऊपर लगाना चाहूँ, रात में अंधेरे में कहीं पे यूज़ करना चाहूँ तो बहुत आसानी से मैं कर सकता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। एक ये और वो जो एक डिजिटेक का अपना वायरलेस माइक, पता नहीं वो मैं सूरत गया तब से गाड़ी में ही पड़ा है, मैं गाड़ी में से निकालना भी भूल गया हूँ कि अपना माइक उसमें पड़ा है। ये रहा अपना माइक। तो पब्लिक मैं इस माइक के बारे में बात कर रहा था, इतना खतरनाक और क्रिस्प आवाज़ देता है ना, देख लो अगर किसी को लेना है तो अच्छा है, 5000 की रेंज में ऐसा माइक भाई साहब नहीं मिलेगा। भाई लोग अपने भाई लोगों से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो सोचा आज उनको मिल लेते हैं, मिलने जाते हैं, उनसे बातें वातें करते हैं, थोड़ा राउंड वाउंड लगाते हैं, क्योंकि आज क्या है पूरा काम में बिजी रहा था और 3-4 दिन से हम लोग मिल ही नहीं पाते। लास्ट हम लोग मिले थे शायद वो जो मैं सूरत से आके मिला था, वो हमारा लास्ट था, पर मुझे याद नहीं उसके बाद मिले हो या नहीं मिले। तो बस अभी जा रहे हैं मिलने के लिए, हम सवारी लेके निकले और अभी मैं पहले करण को पिक करूंगा और फिर वहां से घूमते हुए मस्त। अभी नाइट टाइम है क्योंकि दोपहर में तो निकल नहीं सकते, गर्मी इतनी है तो अभी बेहतर है, तो चमकीले से स्टीयरिंग के साथ अभी निकले घूमने के लिए मस्त। देखो यारो, दोस्ती और चाय का एक अपना ही अलग कनेक्शन है, जब भी हम मिलते हैं पहले शुरुआत होती है चाय से और फिर जाती है बात पान पे, और ये हमारी सबसे फेवरेट पान की दुकान। हर बार मतलब कॉलेज टाइम से कभी भी पान खाने का मन हो यहीं आते हैं और कन्वर्सेशन हमारी कुछ भी चलती है, तो बस वही कन्वर्सेशन देखो कंटिन्यू रखते हुए। इस पान की दुकान की स्पेशलिटी ये है कि पान आपको हाथ में नहीं सीधा मिलेगा मुँह में, तो अमला का टर्न हो गया इसका होगा और उसके बाद बारी आएगी मेरी, और ये हमें बहुत पहले से जानते हैं, तो हम क्या इनके वहाँ पर जाके थोड़ा बातें बातें करके पान वान खा के फिर वहाँ से सटक लेते हैं। रात को कसम से भाई साहब, अगर मैं नहाया वगैरह सो गया ना तो मुझे बिल्कुल भी सुकून वाली नींद नहीं आती। अच्छे से सोने के लिए रात में मैं कितना भी लेट क्यों ना हो, अभी बज रहे 12:15 रात के, पर फिर भी आके नहा के फ्रेश हुआ, एसी ऑन कर दिया, अब बैठ के एडिट करेंगे व्लॉग और एक घंटे में आज सोने का प्रबंध कर देंगे, 1 बजे तक सो जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लान है हमारा अभी, और क्या मज़ा है, मतलब अभी घूम के पान वान खा के आए, चाय वाय पी के मज़ा आता है। रात को फ्रेंड्स के साथ निकलते हैं ना तो पूरे दिन की जो सारी बातें होती है ये सारी चीज़ें एक राउंड में सारा कुछ अपना क्लियर हो जाता है, मज़ा आता है उनसे मिल के, वो पूरा क्या कहते हैं वो अपना एनर्जी ले लेते हैं हम लोग दोस्तों से मिलकर, तो ऐसा एनर्जी ले लिया हमने अभी, अब उसी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे अपने व्लॉग में और फिर मस्त सोएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव, मेक इट हैपन, सी यू टुमारो, बाय, सी यू। अब आप भी सो जाओ, अरे आप तो उठे होंगे, काम पे जाओ, बाय।